नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीचर एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे 501 और 502 कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल किया है, और आज की इस वीडियो में भी हम लोग 502 कोर्स के जो अंतिम पार्ट है उसका अंतिम पार्ट का क्वेश्चन जो कुछ बचा हुआ था उसकी सीरीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं जो 502 कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखिए पाँच सौ दो कोर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग हल कर रहे थे। इसके पहले की बहुत सारी वीडियो हम लोगों ने अपलोड की है, आपने अगर वो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर के पहले की सारी अपलोडेड वीडियो को देख सकते हैं जो कि 501 कोर्स और 502 कोर्स दोनों का है। चूँकि 502 हम लोगों का चैप्टर बहुत बड़ा है, आप लोगों को पता होगा कि 502 में चार ब्लॉक हम लोगों को पढ़ने हैं, इसलिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसके कई पार्ट बने हैं, इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग इसमें क्वेश्चन 160 से शुरू कर रहे हैं, पिछली वीडियो पे जो है हम लोगों ने 135 क्वेश्चन तक हल कर दिया था। बीच में कुछ जो क्वेश्चन थे दोस्तों वो मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा और सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड थे तो मैंने उसे स्किप कर दिया। अब यहाँ से मैं दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 160 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसके अनुसार सीखने का उद्देश्य स्वतंत्र चिंतन का विकास करना है? आदर्शवाद, प्राकृतिवाद, व्यवहारिकतावाद, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब है सी, व्यवहारिकतावाद। 161 नंबर सवाल, एक बच्चे को केंद्र में रखते हुए किया गया आकलन तब वह कोई गतिविधि कार्य करता है और उसे पूर्ण करता है यह आकलन कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन में है व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन, स्व आकलन, सपाठियों द्वारा आकलन। इसका सही जवाब है ए, व्यक्तिगत आकलन। अगला सवाल, निःशुल्क और अनिवार्य बालक का शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ 2008, 2009, 2010, 2011। इसका सही जवाब है बी, 2009 में ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम को है लागू किया गया था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय उद्देश्य के रूप में समाजवादी ढांचा स्वीकार किया गया प्रथम वर्ष पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में? इसका सही जवाब है बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, सामान्यतः जवाबदेही के प्रकार माने जाते हैं 2, 3, 4, 6, कितने प्रकार माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है सी, 4। अगला सवाल, सीखने या अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं परिपक्वता, अभिप्रेरणा, थकान, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल जो 166 क्वेश्चन पे है, थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने का नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम या क्रिया प्रसूत अनुबंध? इसका सही जवाब है डी, क्रिया प्रसूत अनुबंध। अगला सवाल, ज्ञान की उत्पत्ति के संबंध में विचारधारा है प्रत्यक्षवाद, बुद्धिवाद, व्याख्यावाद या उपर्युक्त सभी? इसका भी सही जवाब जो है वो डी है, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल देखते हैं, ज्ञान वही है जो तर्क के द्वारा समझा जा सकता है, ज्ञान के विषय में यह कहा है किस महान व्यक्ति ने कहा है, किस विचारक ने कहा है? उसका नाम है यहाँ पर रूसो ने, जीन प्याजे ने, सुकरात ने या प्लेटो ने? इसका सही जवाब है डी, प्लेटो। प्लेटो ने ही कहा था, ज्ञान की परिभाषा दी थी कि ज्ञान वही है जो तर्क के द्वारा समझा जा सकता है। अगला सवाल है 69, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह समस्त शिक्षा क्रम का महत्वपूर्ण अंग है, इस प्रकार शैक्षिक प्राप्त उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है, यह परिभाषा संबंधित है, किससे संबंधित है? कोठारी आयोग से, उसके बाद है यहाँ पे माइक के लिए, वेस्ले, स्किनर। इसका सही जवाब है ए, कोठारी आयोग। अगला सवाल, छात्रों के व्यवहार का गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्णन में प्रस्तुत करता है मापन, मूल्यांकन, आकलन, प्रगति विवरण पत्रक? बी, इसका सही जवाब है बी, यानी कि मूल्यांकन। अगला सवाल, मूल्यांकन ना किए जाने वाली वस्तु के साथ मापन के प्रयोग की प्रक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मूल्यांकन, आकलन, मापन या निर्देशन? इसका सही जवाब है सी, मापन। दोस्तों ये आप क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ें, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये सब एग्जाम में आ सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोगों का नंबर पूरा पूरा आता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत आप लोग कोशिश की जाए कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और आप 15 में 15 आराम से बना लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतत शब्द का अर्थ है
सदैव, कभी कभी, निरंतर या वर्णिक? इसका सही जवाब है सी, सतत का मतलब होता है निरंतर, लगातार। 173 नंबर सवाल, मूल्यांकन में जांचना होता है बालक में योग्यताओं की उपलब्धि, कुशलताओं की, वृत्तियों एवं रुचियों की, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, बालकों के सर्वांगीण विकास को गति देने में सहायक होता है। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? ए में है मूल्यांकन, बी में है मापन, उसके बाद है आकलन, उसके बाद है शिक्षण, सॉरी शिक्षा। इसका सही जवाब जो है दोस्तों वो है ए, यानी कि मूल्यांकन। उसके बाद अगला सवाल, 175 नंबर, शिक्षक छात्रों के भविष्य में होने वाले व्यवहारों का पूर्व अनुमान करते हैं मापन व मनोविज्ञान द्वारा, मूल्यांकन द्वारा, आकलन द्वारा, कौशलात्मक रुचि द्वारा। इसका सही जवाब है ए, मापन एवं मनोविज्ञान द्वारा। उसके बाद अगला सवाल, मूल्यांकन होता है व्यापक, सीमित, असीमित, सामयिक। इसका सही जवाब है दोस्तों ए, व्यापक। दोस्तों हम लोग जो ये ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू कर रहे हैं इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और एग्ज़ाम में बहुत आप अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को आंसर आप सिर्फ इतना ही लिख देंगे, सिर्फ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप बना लेते हैं वो 30 नंबर का है, और आपको पास होने के लिए इसमें 40% यानी कि 28 नंबर कम से कम जरूर लाना है। तो आप अगर सिर्फ इन दोनों को भी पकड़ लेते हैं एग्जाम में तो आप अच्छा कर सकते हैं एग्जाम में। तो इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें नंबर बहुत कम समय में ज़्यादा मिल जाएगा। क्योंकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जब आप लिखेंगे तो वो 4 से 5 पन्ना आपको लिखना है और उसमें आपको नंबर मिलेंगे 10। उसके बाद आपको दो दो नंबर के 10 क्वेश्चंस लिखने हैं जिसमें आपको कम से कम 5 से 7 लाइन लिखना होगा, और जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उसको आपको 2 से 3 वाक्य में लिख देना है, 1 वाक्, 2 वाक, 3 वाक, इतने में लिख देंगे तो आपको वो मिल जाएगा। दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो है एग्जाम में टोटल 42 क्वेश्चंस आने हैं। 42 क्वेश्चंस में आपको जो है 1 से लेकर के 15 तक पहला जो क्वेश्चंस रहेगा वो बहुविकल्पी होगा, जिसका हम लोग अभी अभी वीडियो में देख रहे हैं, इसी तरह का क्वेश्चंस होगा वो लेकर होगा आपको 1 से 15 तक। उसके बाद दोस्तों जो 16 से लेकर के 31 तक, नहीं 16 से 30 तक, आपको जो 16 से लेकर के 30 तक प्रश्न होंगे यानी कि 15 प्रश्न, वो होंगे वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस, यानी कि आपको इसका जवाब शॉर्ट करके देना है, जो आपको 1, 2 या 3 वाक्य में दे सकते हैं। ये भी आपको एक एक नंबर का होगा, तो 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव और इधर हो गया 15 नंबर का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसको हम लोग हिंदी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न बोल सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चंस आएगा दोस्तों आप लोगों को वो है लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो है वो आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे, और ये प्रत्येक जो है 10 क्वेश्चंस आपके दो दो नंबर के होंगे, यानी कि 10 क्वेश्चंस के लिए आपको 10 दूनी 20, 20 नंबर आपको इसमें मिलेगा। अगर आप 10 क्वेश्चन का जवाब सही सही देते हैं और आपका पूरा पूरा नंबर मिलता है तो आपको इसमें 20 नंबर मिल जाएगा। 1 क्वेश्चन के लिए 2 नंबर होंगे, इस तरह से आपको 10 क्वेश्चंस होंगे जो शॉर्ट आंसर होंगे। तो आपको कितना क्वेश्चंस हो गया, 1 से लेकर के 15 तक जो पहले था वो ऑब्जेक्टिव हो गया 1 नंबर का, तो 15 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ गया। उसके बाद आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था वो था 15 से लेकर के 30, वो भी एक एक नंबर का है, तो 30 क्वेश्चंस के लिए उधर 30 नंबर हो गए। उसके बाद दोस्तों ये जो है दो 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 नंबर वाले क्वेश्चन जो थे वो 10 क्वेश्चन आएंगे टोटल, तो इस तरह से आपको 10 क्वेश्चन के लिए 2 नंबर के हिसाब से आपको 20 नंबर आ गए। तो 10 दूना 20 इधर हो गया और 30 उधर, टोटल 50 नंबर हो गए। और दोस्तों जो 20 नंबर को जो आपको आएगा वो डिस्क्रिप्शंस वाला आंसर्स लिखना है, यानी कि आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखना है जिसका जवाब कम से कम आपको 400 से 500 वर्ड में जरूर देना पड़ेगा। और ये दोनों क्वेश्चंस 10-10 नंबर के लिए हैं, तो 10 दूना 20 इधर नंबर हो गया, टोटल हो गया क्वेश्चंस 42 और मार्क्स हो गए 70, यानी कि 42 क्वेश्चंस में आप 70 नंबर आपको लाना है। 1 से लेकर 15 हो गए उधर क्वेश्चंस, फिर 15 से 30 हो गए, और फिर 40 तक जो क्वेश्चंस रहेंगे 30, 31 से 40 वो है 2 नंबर वाला, और 41 और 42 नंबर क्वेश्चन वो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इस तरह से हम लोगों को 70 नंबर का रिटर्न परीक्षा देना है, जो कि 26, 27 और 28 फरवरी को होगी। 26 फरवरी को जो दोस्तों जो एग्ज़ाम देना है वो होगा 501 कोर्स का। उसके बाद 27 फरवरी को जो एग्ज़ाम देने हैं वो होगा 502 का। उसके बाद जो हम लोग को 28 फरवरी को एग्ज़ाम देने हैं वो एग्ज़ाम देना हम लोगों को 503 का। तो फर्स्ट दिन 501, सेकंड डे 502, और थर्ड जो डे है वो 503 का है देना है। और ये तीनों 70-70 नंबर के रिटेन होंगे,
और इस पे मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि कैसे क्या करना है और कम समय में तैयारी कैसे करनी है। तो मेन फोकस जो आप लोगों को करना है वो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि 15 नंबर के आएंगे। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। दोस्तों जैसे ही ये वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज ख़त्म होगा, उसके बाद मैं आप लोगों को वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी अवेलेबल करा दूंगा, जो कि गेस क्वेश्चंस होंगे, मतलब कि एग्जाम में आने वाले काफ़ी चांसेस हैं इन सब करें। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कम समय में भी आप अच्छा कर सकते हैं। और आपको पता है कि एग्ज़ाम्स में 40% लाना है कंपलसरी, तो 30 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो आपका 40% तो ऐसे ही हो गया है। तो आपको इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल